हाय गाइस, दिस इज टेक्निकल इंस्ट्रक्शन गुरु और आज है पोल टावर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का 23वां दिन, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो है अपना इंसुलेटर को जो है ऊपर चढ़ाया जा रहा है। और यहाँ आपने डे 1 से डे 22 तक के वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ सबस्टेशन का निर्माण किया गया है, किस प्रकार से पोल टावर और इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं। वहाँ से फंसा हुआ है तो अभी क्या हुआ था, आपका जो कंडक्टर है वो आपके आइसोलेटर में फंस गया था, इस वजह से अभी इस बीच में रोका गया था। अभी इसको पूरी तरह से हटाने के बाद अभी इसको फिर से चढ़ाया जा रहा है। और इसको किस प्रकार से चढ़ाया जा रहा है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ पास से। यहाँ पर ये मोटर है, ठीक है, और ये आपका जो तार है उससे आपका जो ये इंसुलेटर है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो आपका रील लगा है उसके उसमें जो है राउंड होकर जो आपका ये तार जो है आपके इस मशीन से कनेक्ट होकर यहाँ रोटेट होकर इसको यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है आपका तार, और अपना जो इंसुलेटर है वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। कुछ टाइम पहले इसको जो है क्रेन की मदद से ऊपर ले जाया जाता था, लेकिन आज क्रेन का मदद ना लिया जाकर इस प्रकार से इस मोटर के जरिए जो है इसको ऊपर ले जाया जा रहा है। और यह जो है 220 केवी का इंसुलेटर है जो 160 केएन का है, ठीक है। अभी भी वहाँ पर जो है 220 केवी के जो केएन है जो आपके इंसुलेटर है वो अभी सेटअप किया जा रहा है, जैसा कि आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर अपने जो भाई है वो ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं ताकि आपका जो इंसुलेटर है उसको फिक्स किया जा सके। और मैं आपको इस वीडियो दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है पूरे सबस्टेशन में मूस कंडक्टर का यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो आपका टावर में जो लगे रहे हैं वो जो टावर आप बड़ा सा लगा हुआ देख रहे हैं उसमें जो है जेब्रा कंडक्टर का यूज़ हुआ है, और जो आपका इंसुलेटर यूज़ हुआ है, ठीक है, इंसुलेटर भी दोनों तरफ जो है 160 केएन के हुए हैं, तो आप ये जानकारी को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना इंसुलेटर है वो धीरे धीरे जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है। और वहाँ से जो है एक जो दो लोग हैं वहाँ पर उसको डोर को बांधे हुए हैं ताकि आपका जो इंसुलेटर है इधर उधर मूवमेंट ना कर सके। और ये आपका इंसुलेटर का दूसरा सिरा जो है आपके इस साइड है, ठीक है, इसको ऑलरेडी पहले से ही फिक्स किया जा चुका है, इसके बाद जो है इसको फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर जो अपने इंसुलेटर है उसको ऊपर तक पहुँचा लिया गया है, उसके बाद जब इसका टाइटनेस किया जाएगा। और यहाँ पर जो है बाकी आपके इंसुलेटर वो सेटअप किए जा रहे हैं। तो इसका जो 3-3 के स्लॉट में आपके इंसुलेटर जो आते हैं कंपनी से बनकर उसको फिर यहाँ पर फिक्स किया जाता है। तो अब वहाँ पर ले जाने के बाद आप उसके एंडिंग सिरे को जो है वहाँ से डोर की मदद से उसको वहाँ पर खींचा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डोर के जरिए जो है इसको खींच कर उसके एंडिंग सिरे को जिसमें आपका नट टाइट होना है उसको जो है जो दो भाई लोग वहाँ पर चढ़े हुए हैं उन तक पहुँचाया जा रहा है ताकि उसको नट टाइटनेस किया जा सके। तो वहाँ पर इनका टेक्निक आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है डोर को बांध दिया गया है और उसके बाद जो है इसको खींचा जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, जिसमें आपका जो लास्ट एंडिंग सिरा है जिसमें आपका नट बोल्ट टाइट होना है वो आपके भाई लोग तक पहुँच चुका है, आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो आप नट टाइटनेस का काम किया जाएगा, तो मैं आपको इसका इंसुलेटर को दिखा देता हूँ कि इसका इंसुलेटर जो है किस प्रकार से यहाँ पर लगेगा। तो अभी फिर से इसको मशीन को ऑन कर लिया गया, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें इसको फिर से अब टाइट किया जा रहा है, जिसमें इसके जरिए देख सकते हैं यहाँ पर मशीन के जरिए शायद अभी तक फिक्स तरीके से जो है आपका इंसुलेटर जो है अपने दो भाइयों तक नहीं पहुँच पाया, जिससे कि टाइटनेस का वर्क नहीं हो पाया होगा, ठीक है। तो अभी हो गया है शायद, हाँ ऑलमोस्ट पहुँच गया है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ उसको, ठीक है। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे इंसुलेटर के बारे में बता देता हूँ आपको, ये जो इंसुलेटर है वो 160 केएन का है और ये इसका लॉक है, ठीक है, ये इसका लॉकिंग सिस्टम है। और इसका ये जो आप लास्ट सिरा देख रहे हैं ये वाला भाग